हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। खटीमा के झनकट शहर में बैंक की लूट की खबर सामने आ रही है। झनकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन दहाड़े लुटेरों ने तमंचे और चाकू की नोक पर चार बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 483,010 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं लुटेरे बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की रकम लेकर फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार लुटेरों की संख्या 2 या 2 से अधिक बताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मियों को बंधक से मुक्त कराकर जांच में जुट गई है। वहीं लूट की सूचना पर एसपी क्राइम व एसडीएम खटीमा भी मौके पर पहुंचे। साथ ही बैंक कर्मियों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। एक के पास देसी कट्टा था और एक के पास चाकू था, उन्होंने यहाँ पर डकैती की और लोगों का यहाँ जो बैंक के कर्मचारी जो चार लोग थे उनको बंधक बना के लगभग 483,010 रुपये लूट के चले गए। अभी जांच की जा रही है क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके डीवीआर को खंगाला जा रहा है। तो जैसे कोई सूचना पुलिस में तफ्तीश कर, टेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि उन लोगों का अभी पता नहीं चला, वो सीसीटीवी कैमरे से पता चलेगा।